तो भाई राम राम सर ने आज हम आए थे भाई ड्यूस फार की डीलरशिप के अंदर भाई, जो हिसार के अंदर ये रहने वाले लग्जरी ब्रांड की भाई। तो आज हम आपको दिखाने वाले न्यू लैंड का स्पेशल एडिशन भाई, इसके बारे में बात करेंगे भैया। 12+3 यूजी गियरबॉक्स के अंदर, तो मैं बताओ इसके बारे में क्या रहने वाला है। ये न्यू लैंड ब्रांड का 3630 स्पेशल एडिशन ट्रैक्टर है, जो कि आप देख रहे हैं इसकी पहचान स्पेशल एडिशन का स्टिकर है और ऊपर जो फाइबर की छतरी है वो है। तो ये 55 HP के अंदर ट्रैक्टर आता है, ये 12+3 UG गियर के अंदर ट्रैक्टर आता है। आगे के जो टायर है वो आपको सामने आपके दिखाई दे रहे हैं, 750/16 के हैं और पीछे वाले टायर जो हैं वो आपको 16/28 में मिलने वाले हैं। कंडीशन भी काफ़ी अच्छी रही ना मेरी कंडीशन। ये 2018 मॉडल ट्रैक्टर है, न्यू लैंड 3630 स्पेशल एडिशन, और बढ़िया कंडीशन के अंदर ये ट्रैक्टर खड़ा है, साफ सुथरी कंडीशन है और घर अपने खेती के काम में चला हुआ ट्रैक्टर है। ये आप इसका पीछे से ओवरव्यू देख लीजिए, मडगार्ड वगैरह देख लीजिए, टायर साइज देख लीजिए और टायर कितने पैसे बचे हैं वो देख लीजिए। लगभग आप मान के चलो ये इसमें टायर बचे हुए हैं आपके लगभग 50 पैसे करीब करीब टायर बचे हुए हैं पीछे वाले, तो बढ़िया कंडीशन में है। साइड गियर में है, पावर स्टेयरिंग है और यहाँ पर कोई लीकेज भी है? नहीं, कोई लीकेज नहीं है, कुछ नहीं है, एकदम बढ़िया कंडीशन में ट्रैक्टर है। आपके सामने है, वीडियो में आपको दिख भी रहा होगा। क्या हुआ भैया, आपका ट्रैक्टर कौन सा लेके आए इसके बदले? ये हमारा 55 HP का ड्यूस फार लेके गए जी। और मतलब ये एक थोड़े सा सुलझे हुए किसान थे। ये सुलझे हुए कैसे थे कि हर किसान क्या होता है कि भाई मान लो ये तरीके से तय नहीं करता कि भाई मुझे भाई 2 या 3 ब्रांड में छाट लो, जिससे मेरे को उनमें से जो बढ़िया लगेगा वो मैं ले लेता हूँ। तो इन्होंने 3 ब्रांड छाटे हुए थे। सबसे पहले ड्यूस फार था, फिर उसके बाद में मैसी था, फिर उसके बाद में न्यू लैंड था। तो न्यू लैंड तो वो यूज़ ही कर रहे थे, तो इसको बदल के वापस न्यू लैंड लेने का तो कोई फ़ायदा नहीं मिलता, क्योंकि बढ़िया कंडीशन में ट्रैक्टर ही खड़ा था। तो फिर उन्होंने हमसे संपर्क किया, तो वो जब हमने उनको ड्यूस के बारे में बताया, फिर उसके बाद में उन्होंने उस चीज़ को देखा और जब लोगों से मिले जो ड्यूस फार यूज़ कर रहे हैं उनसे बातचीत की, तब उनको लगा कि भाई मैं ड्यूस फार लेना चाहता हूँ, भाई ड्यूस फार मेरे लिए अच्छा रहेगा। तो एक तो सबसे पहला प्लस पॉइंट तो एवरेज का है, ड्यूस फार की एवरेज अच्छी है, इस वजह से किराए का ये काम करते हैं, तो एक प्रेफरेंस वो थी। दूसरा, ड्यूस फार की जो स्पीड है, वो ड्यूस फार जो है सुपर रिडक्शन गियर में लेके गए हैं 16 के टायर में 55 HP वाला, तो वो आपके रिपर हो गया, आपका सुपर सीडर हो गया, आपकी कंप्यूटर गोड़ी होगी, रोटावेटर हो गया और जो अन्य खेती के जो इम्प्लीमेंट है वो सारे चलाने के अंदर बहुत बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए चलाता है, जिसकी वजह से वो भाई तेल की एवरेज वो बचा के देता है, जिसकी वजह से वो सेम इम्प्लीमेंट अगर वो न्यू लैंड के पीछे चलाता है और वो ड्यूज के पीछे चलाता है, तो अभी उस भाई ने मान के चलो 3 महीने करीब करीब वो हो जाएंगे उसको यूज़ करते हुए उस ट्रैक्टर को। तो माइलेज के लिए उसका कहना ये है, माइलेज का काफ़ी फ़र्क महसूस होता है, साथ के साथ स्पीड का न्यू लैंड के ट्रैक्टर के मुकाबले उसके अंदर उसको स्पीड बेहतर मिली, जिसकी वजह से उसको और किराए के काम करने में इम्प्लीमेंट चलाने के अंदर काफ़ी मदद मिली। क्या डिमांड है इसकी? डिमांड है जी 6,15,000 रुपये। अच्छा, ओके। आपका फ़ोन नंबर? 82530-30635। ओके, तो भाई किसी को ट्रैक्टर ये लेना हो तो भाई एक बार प्लीज़ आप फ़ोन करना, और अगर आपको ड्यूस फार का ट्रैक्टर चाहिए, एक लग्जरी ब्रांड का आपको ट्रैक्टर चाहिए, तो आप प्लीज़ इनके पास फ़ोन ज़रूर करना एक बार। लोकेशन हमारी रहेगी जी दिल्ली बाईपास के ऊपर, मिर्ज़ापुर चौक। मिर्ज़ापुर चौक से आप 100 मीटर चलोगे हस्सी की तरफ में, उसी हाईवे के ऊपर, दिल्ली हाईवे के ऊपर उतरना नहीं, वहीं पर अपनी डीलरशिप है। तो आप किसी भी टाइम पर जब आपको फुर्सत हो, आप 9 बजे से लेके शाम को 7 बजे तक कभी भी आप आइए। आप ड्यूस देखना चाहें या कोई पुराना ट्रैक्टर जो आपको इनमें वीडियो में पसंद आया हो वो लेना चाहें, वो आप आके देख सकते हैं। तो भाई आपको क्या करना है, इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और आपके भाई को क्या करना है, आपने सब्सक्राइब करना है। और भाई इनका भी एक चैनल है, आपने मेरे उसके बारे में बताओगे भैया? हमारा चैनल है जी सम्मे ड्यूस फार हिसार के नाम से, तो वहाँ पर आपको ड्यूस फार से जुड़े हुए वीडियोस मिलेंगे, जिसमें आपको तकनीकी जानकारी के साथ साथ जिन किसान भाइयों ने ये ट्रैक्टर लिया है, जिन्होंने कम से कम एक सीजन उस ट्रैक्टर को चलाया है, वो अपने विचार साझा करते हुए मिलेंगे। जो आपके नज़दीकी आसपास के होंगे आप उनसे जाके मिल भी सकते हो, कैसा ट्रैक्टर है पता भी कर सकते हो। जिन्होंने अपना खेती का काम करना हो उनके लिए ड्यूस फार एवरेज के मामले में, खिंचाई के मामले में और मेंटेनेंस नहीं है, हर चीज़ में बल्ले बल्ले है, तो वो एक बार अपना जाके देख सकते हैं। ट्रैक्टर लेना ना लेना बाद की बात है, पहले जाके चीज़ को समझ सकते हैं कि लोग ड्यूस फार यूज़ करते हुए कैसा महसूस करते हैं, तो वो आपके काम की चीज़ है।
धन्यवाद।